सुशील तिवारी अपने YouTube चैनल से आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत की पूरे देश के सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, एक ऐसा मठ जहां पर 1917 के बीच में यहीं पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो कि भारत की 1977 में आपातकाल के बाद यहीं पे आई थी। और मैं आपको आश्चर्य होगा, मैं पूरे भारत के दर्शकों से नहीं, पूरे विश्व के जो भी लोग हमें देख रहे हैं, जो कांग्रेस का चिन्ह है, जिसे हाथ के पंजे के नाम से जाना जाता है, यहीं उन्हीं के आशीर्वाद से, जब उन्होंने उन्हें आशीर्वाद दिया, वही हाथ का पंजा आज भी कांग्रेस का वही चिन्ह है। कुछ ऐसे जुड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें जो कि विश्व के इतिहास में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी, आज मैं साझा करूंगा। आप का स्वागत है मेरे चैनल पे बहुत बहुत। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी कब आई थी यहाँ पर? यहाँ 1977 में इस्पान भूमि पर बाबा के दर्शन में माता जी आई थी इंदिरा जी। और जब यहाँ पे इंदिरा जी आई थी, तो उस समय उन्होंने ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस का जो चिन्ह ही था, जो कि उस समय जो चिन्ह था उनका गाय और बछड़ा था, और वो चिन्ह ही कांग्रेस का बदल गया, वो घटना क्या थी, थोड़ा आप दर्शकों को बताएं। देखिए, इस्पान भूमि पर सभी लोग आते हैं, उसी प्रकार से इंदिरा माता भी अपने भाव लेकर के आई। बाबा ने साझा अवस्था में आशीर्वाद दिया हाथ उठा करके, और उसी बाबा की मुद्रा को अपना कानों से पदचिन्ह बना ली, निशान चिन्ह बना ली, और वही चिन्ह आज तक कायम है। और कौन सी भारत से जुड़ी बड़े बड़ी हस्तियां यहां पर आई हैं? भारत की हस्तियां जैसे इंदिरा जी के जवाहर जी, आपके काना से मदन मोहन मालवीय वगैरह, राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, आपके राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, बड़े बड़े दल, बड़े बड़े राजनीतिक नेता यहाँ पे आए थे। और भी मैंने इस मठ के बारे में सुना है, और क्या हमने ये भी सुना कि पूरे भारत का कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे ये मठ, इस मठ के द्वारा ये मठ हर जगह पे है, इसके बारे में जरा बताएं दर्शकों को। मेन तो देखें, मेन पावन भूमि तपोभूमि जो है महाराज जी की, मेन यही है जी। जिस मईल स्थित ग्राम में स्थित है सरजू के तट पर, यही भूमि से पूरे विश्व में देवरा बाबा, देवरिया बाबा के नाम से जाने जाते हैं, इसके नाम से जाना जाए। इससे जुड़ी और कौन सी ऐसी बातें हैं, मैं पूरी जनता से, विश्व समुदाय से आप साझा करना चाहेंगे? देवराव बाबा का मठ जमातों हिंदुस्तान के किसी भी सिटी में, किसी भी शहर में कहीं बाकी नहीं है कि जहां उनका मठ न हो। जैसे मईल जो है उनका मेन स्थान है, और यही से सब कुछ डील होता था, बाबा ही डील करते थे, बाकी उनका मतलब हर जगह है स्थान। जैसे यहाँ पर है, ये है बनारस में है, ये है विंध्याचल में है, ये है इलाहाबाद में है, ये है जब तो मथुरा में है, ये है। इससे जुड़ी क्या बात थी कि इंदिरा गांधी जी को ऐसी लग गई, और यहाँ से बहुत कम लोग ऐसा जानते होंगे कि यहीं से कांग्रेस का जो चुनाव निशान था वो बदल गया, इसके बारे में आप क्या बताएंगे दर्शकों को? बाबा जी जब वो चुनाव हार गई थी 1977 में इमरजेंसी के बाद, और जो हारी तो वो यहाँ आई जमातों, और बाबा से आशीर्वाद लिए। बाबा जो है अपना हाथ के पंजा हाथ उठा करके आशीर्वाद दिए, और वह कही कि जमातों के बाबा जो है, हम तो सोच रहे हैं कि आपका हाथ का पंजा ही मैं चुनाव आयोग से मांग लूँ, कि जिसके वो हमारा गाय बछड़ा बदल करके हाथ का पंजा हो जाए। वह गई और अपना जमातों चुनाव आयोग से मांग की कि हमको हाथ का पंजा चुनाव चिन्ह मिल जाए, उसको चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा मिल गया, और जो है वह पुनः चुनाव हुई और पूर्ण मेजॉरिटी के साथ जो है वह सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री बनी, बहुत बड़ी बात इन्होंने बताई। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे कैमरे से देख रहे हैं, ये पूरे चारों ओर काफ़ी शांत वातावरण है, और भी बहुत से लोग, बहुत दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर सबकी मुरादें पूरी होती हैं। एक बार अगर यहाँ पे आप दर्शन करें तो सच में आप जो भी मांगते हैं यहाँ पे मिलता है। और भी कुछ ऐसी चीज़ें क्या हैं जो दर्शक नहीं जानते, आप साझा करना चाहेंगे? बाबा के जैसा कोई संते नहीं आज तक पैदा हुआ, और हाँ पूरे पूरे भारत की अगर बात करें, पूरे भारत की बात करें तो उतना अच्छे संत कोई नहीं रहा जमातों। और बाबा के पास जो ही कुछ आया वह कुछ पाया जमातों, बाबा के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, और बाबा ने जो जमातों जिसको जो भी कहा वह उसका पूरा हुआ, जो भी कहा वो पूरा हुआ। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताऊँ, ये देवरिया के पास स्थित
बहुत ही शांत वातावरण, बहुत सारे लोग यहाँ पे हर रोज़ आते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये अंततः ब्रह्म विभूति ऋषि देवराहवा बाबा जी के नाम से, यह बहुत ही बढ़िया यहाँ का माहौल, यहाँ लोग हर रोज़ दर्शन के लिए आते हैं। और मैं सुशील तिवारी आपको बताना चाहूँगा, इस समय देख रहे हैं और दर्शन से सबकी मुरादें पूरी होती हैं, अतः मैं पूरे विश्व के सभी दर्शकों से चाहूँगा इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इस समय यहाँ से सुशील तिवारी।